पिछले दिनों हुई किर्गिस्तान में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में फरीदाबाद डीन गांव के रहने वाले विपिन बेनीवाल ने प्रथम स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता। दरअसल आपको बता दें, किर्गिस्तान में हुई वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में फरीदाबाद के विपिन बेनीवाल ने 182.5 केजी वेट उठाकर लोगों के होश उड़ा दिए और वेटलिफ्टिंग में अपने गांव, जिला, प्रदेश सहित देश का नाम रोशन किया, जिसका गांव दीप पहुंचने पर गांव के लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं विपिन बेनीवाल की माने तो उन्हें भरोसा था कि इस प्रतियोगिता में वो ज़रूर प्रथम आएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने कोच के साथ साथ अपने घर वालों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें कोच और घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला था और वो उन लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए संदेश देते हुए कहा कि उन्हें नशे पते से दूर रहना चाहिए और खेलों को आगे बढ़कर अपने आप को साबित करना चाहिए। फरीदाबाद से KNN मीडिया के लिए मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। इस बार आपने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, 182.5 तेजी लिफ्ट मारी है, क्या कुछ कहेंगे, कितना इस सफर को तय करने में मजबूरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखो, सबसे पहले एक खिलाड़ी को जो सपोर्ट चाहिए वो चाहिए फाइनेंशियली। जो मेरा परिवार खड़ा है, पावर जिम परिवार है एक हमारा, जहाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी पूरी ट्रिप इन भाइयों ने स्पॉन्सर करी। वहाँ जाने का जितना भी खर्चा है वो सारा उन लोगों ने दिया, जो सबसे बहुत बड़ी बात है खिलाड़ी के लिए, एथलीट के लिए। भाइयों का साथ बहुत जरूरी है, मैंने देखा है भाई, मतलब किसी भी खिलाड़ी को बढ़ाने के लिए ना, मतलब ऐसे भाई ज़रूर चाहिए। जो मैं वहाँ तक खेल के आया हूँ, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया, मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मैं ये लिफ्ट मारूंगा, क्योंकि वहाँ खाने की इतनी दिक्कत रही, हम 4 दिन भूखे पेट रहे, मतलब सिर्फ सेब और केले वगैरह खा के। जो हमारी रोटी है, जो बेसिक खाना है, दूध है, वो हमें मिला ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद जो भरोसा था, एक जुनून था, जो गुरुजी को भरोसा था कि नहीं तू मारेगा ये लिफ्ट, तो वो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो मैंने यहाँ पे टाई किया उस बंदे के साथ। और नेक्स्ट टाइम दिसंबर में हमारी एशियन चैम्पियनशिप है इसी गेम की, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ये ज़रूर तोड़ूँगा, और ऐसा तोड़ूँगा कि आने वाले 5-10 साल तक कोई नहीं तोड़ेगा मेरा रिकॉर्ड। युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे, नशे के प्रति ज़्यादा जागरूक है आजकल लोग? देखो, नशा करोगे तो क्या मिलेगा, ये भीड़ नहीं मिलेगी। मुझे ये भीड़ इस खेल ने दी है, ये सम्मान दिया है। अगर मेरे पीछे कोई लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो वो नशे के लिए नहीं कर रहा है, नशे के लिए सिर्फ 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर आपको बर्बाद करेंगे, लेकिन अगर कुछ अच्छा करोगे तो ये मिलेंगे, ये भाई मिलेंगे और साथ में हेल्थ भी मिलेगी।